पार्लियामेंट चलता है, जब सदन चलता है, इट इज हिज ड्यूटी ही शुड कम एंड मेक अ स्टेटमेंट इन द हाउस नॉट आउटसाइड। इट इज शेमफुल, इट इज फर्स्ट टाइम बिकॉज सदन इज गोइंग ऑन, द पार्लियामेंट इज गोइंग ऑन। It is your duty first to inform parliament members, then to public. Suppose if parliament was not there, session was not there, you could have spoken outside. But on the door of the parliament, you speak. Therefore, we are requesting the chairman of Rajya Sabha and also Speaker of Lok Sabha that he should come in the house and make a statement that what is the real situation in Manipur और क्या चल रहा है, हम दुनिया को बता देंगे यहाँ सदन के और से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अंदर नहीं आ रहे, ऑफिस में बैठते हैं, सुनते हैं। और आज एक नई बात है, मुझे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझे भी फोन किया था, सभी अपोजिशन लीडर को, बालू साहब को किया था, लोकाध्याय जी को किया था और हमारे सभी दोस्तों को भी किया था, लेकिन हम उनको यही बोले भाई क्या होने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर आकर अंदर अगर स्टेटमेंट करे, उस स्टेटमेंट में हम पूरे लोग बहस करेंगे और बहस करने के बाद जो भी फैसला होगा देखेंगे। और 267 ये महत्व का है क्योंकि 267 में एक घंटा, दो घंटे, चार घंटे, आधा दिन, एक दिन भी बहस चल सकता है और उस बहस में जो भी निकल के आएगा उसके वोटिंग भी कर सकते हैं, वोटिंग कर, वी कैन वोट ऑन दैट ऑल्सो, बट दे डोंट वांट दैट। वन सेज हाफ एन आवर डिस्कशन, अनदर सेज शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। The problem is not going to solve you with your discussion. First you tell, you are representing 140 crores people, why you are not coming in the house and telling the truth, ye hum puchna chahte hain, lekin ye jo galti kar rahe hain prime minister aap dekhiye, maine bhi chhanbeen se kiya, mujhe bhi malum hai jab session chalta hai no chief minister no prime minister make a statement outside the पार्लियामेंट। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज डूइंग इट एंड एज पर इवन ट्रेडिशन प्रेसिडेंट दैट ही शुड कम एंड टेल। देयरफॉर वी आर अगेन डिमांडिंग, वी आर गोइंग इन द हाउस, बोथ हाउसेस वी विल डिमांड दैट प्राइम मिनिस्टर कम एंड मेक ए स्टेट।